जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप भी BSF का फिजिकल जो है आप देने जाना चाहते हैं या फिर आपने BSF का फॉर्म जो लगाया था ट्रेड्समैन का, तो आपका भी जो फिजिकल अब होने वाला है, तो आज जो फिजिकल का पहला दिन था तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कुछ अभ्यर्थियों से हम जो कॉन्टैक्ट हुआ और उनके थ्रू जो पता चला कि कितने कितने के बैच बन रहे हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और किस तरीके से क्या प्रक्रिया पूरी उसमें रहने वाली है आपका, तो पूरा जाने से पहले आपको जो है ये वीडियो जरूर पूरा देख लेना चाहिए। अगर आप भी जा रहे हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या प्रक्रिया वहाँ पे रहने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। साथ ही आपको अगर BSF ट्रेड्समैन की तैयारी करनी है और आपको कोई भी बुक वगैरह अगर आपको चाहिए, तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए, PDF चाहिए उसकी, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप हमारे पास जो है ये PDF वगैरह जो ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि आज जो अभ्यर्थियों को वहाँ पे बुलाया गया, तो 40-40 बच्चों को वहाँ पे जो बैच बनाए गए उसमें सबसे पहले आपकी प्रक्रिया क्या रही, प्रक्रिया ये रही कि आपके सबसे पहले वहाँ पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस और दोस्तों पहचान पत्र, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपका जो होना चाहिए साथ में ओरिजिनल। इसके अलावा दोस्तों अंदर जाने के बाद आपके जो हाइट, चेस्ट और सबसे पहले रनिंग की बात करें, 40-40 बच्चों के दोस्तों ग्रुप बनाए गए, उसमें दोस्तों आपको रोड पर रनिंग करवाई गई, रोड पर ही जो रनिंग करवाई गई, काफ़ी जगह पे ग्राउंड में भी करवाई गई है लेकिन ज़्यादातर जगह पे रोड पे ही जो रनिंग करवाई गई है। और दोस्तों पूरा टाइम यहाँ पे 24 मिनट का मिला है 5 किलोमीटर के रनिंग में। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, जैसे कितने बच्चे तो रनिंग में पास हो रहे हैं फिर डॉक्यूमेंट में किस किस में, तो लगभग 40 में से 30 कैंडिडेट जो है रनिंग क्लियर कर रहे हैं, लगभग एवरेज जो निकाल के देखें। उसके अलावा हाइट में भी कुछ एक आध कैंडिडेट हाइट में बाहर हो रहे हैं, कुछ जो है चेस्ट में, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बिना वहाँ पर बिल्कुल ही जो बाहर कर रहे हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो बनवा लेना। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपको सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेके जाते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके 3-4 आपके पास पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास मार्कशीट वगैरह या फिर आपका जो मूल जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये आपके पास डॉक्यूमेंट वहाँ पे होने चाहिए अगर आप भी फिजिकल देने जाना चाहते हैं। तो दोस्तों दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आगे ऐसे ही आपको डेली का अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। दोस्तों अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।